जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल पुंज लाइव भारत न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी मुलाकात अमृतसर के प्रमुख गेंदबाज कमल पासी जी, जो हमारे पास आज मौजूद हैं स्टूडियो में, आज उनसे हम कुछ क्रिकेट के विषय पर बातचीत करेंगे। कमल पासी जी, स्वागत है आपका लाइव भारत न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ये क्रिकेट का जो पिच पर पैर रखा, कब और किस उम्र में रखा? सर, ये मैंने मेरे दादाजी जो कि ग्राउंड मैन है, तो उनसे ही सीखा है मैंने। उनके साथ ही ग्राउंड में जाता था मैं, पैदा भी वहीं पे ग्राउंड में हुआ हूँ। तो शुरू से खेलने का बहुत शौक़ था। 14 साल की उम्र में मैंने एक क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, सिर्फ एक टाइम पास के। उससे मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा प्लेयर बन जाऊँगा या मेरे को इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा अपने कोचिज से, जिन्होंने मुझे, जिनकी वजह से आज मैं इधर हूँ। तो आप किस कोच से अमृतसर से शिक्षा ग्रहण करते रहे? मैं रायन गिल जी, हमारे DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कोच, और जो मेरे भी कोच रह चुके हैं, और जो अभी आज भी, जिनसे मैं कभी भी अगर अपनी लाइफ में किसी भी पार्ट पे सैड होता हूँ या कुछ भी मेरे को लगता है, तो मैं उनसे ज़रूर बात करता हूँ, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। तो सर, आप कितनी कौन सी आयु में अमृतसर गेम एसोसिएशन का हिस्सा बने, और किन किन उपलब्धियों में आपने देश और पंजाब का नाम रोशन किया? मैं 15 साल का था तब मैं पहली बारी अमृतसर गेम एसोसिएशन से खेला था, और उसी साल मैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में स्टैंड बाय था टीम का, और उसके अगले साल मैं टीम में था और मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था। उस साल मैं अंडर 16 इंडिया भी खेला और सारी जोन की क्रिकेट भी खेला, और उसके बाद ये मेरा क्रिकेट का रास्ता स्टार्ट होता रहा आगे आगे। तो अभी तक आप 2022 तक लगातार 15 साल से क्रिकेट जगत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और मुझे खुशी हो रही है कि अमृतसर की पावन धरती गुरु नगरी से ये एक बच्चा पैदा हुआ कमल पासी, जिनका बहुत दादाजी की तरफ से ही ये उनको शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि अमृतसर की गांधी ग्राउंड से ही उन्होंने धरती माँ को सलाम करके क्रिकेट में नाम रोशन करने के पूरा ठाना। और आज आप किस प्रदेश की तरफ से मैच खेल रहे हैं? मैं अभी भी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ही खेल रहा हूँ और अमृतसर से खेल रहा हूँ, और 4 साल से मैं GST में मुंबई सेंट्रल में जॉब कर रहा हूँ, और स्टिल अभी भी यही हिम्मत है, कोशिश है कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में दोबारा कमबैक करूं मैं। तो बड़ी बात ये मुंबई की तरफ से GST डिपार्टमेंट में ये क्लरिकल पोस्ट पर लगे हुए हैं, वहाँ पर कार्यरत हैं। तो कमल जी, आप मुंबई चले गए, वहाँ से आप क्लब मैचेस जैसे खेल रहे, आप बोलते हो कि मैं GST विभाग में कार्यरत हूँ, तो इसके बारे क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी देर पंजाब से आपका नाता रहा, 10 साल से आप इधर AGA की तरफ से खेलते रहे, रणजी भी आप खेलते रहे, तो अब मुंबई में जाकर उधर ही क्यों, अपना जो क्रिकेट जगत है वहाँ तक ही क्यों सिमट के रह गए? जो ये जॉब मुझे मिली है ये क्रिकेट की वजह से ही मिली है। जितना भी मैं खेला हूँ स्पोर्ट्स कोटा में, मेरे को GST में जॉब मिली है, इसलिए मुझे वहाँ पे मूव होना पड़ा। बट जब भी मेरे को टाइम मिलता है और जो भी हमारे पंजाब के सिलेक्शन मैचेस होते हैं या AGA के मैचेस होते हैं, मैं यहाँ पे आके खेलता हूँ। तो बड़ी बात कि ये अमृतसर का भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं मुंबई के साथ साथ। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि AGA जो अमृतसर गेम एसोसिएशन है, वो आपसे कैसे का मतलब व्यवहार रख रही है? आप जब वहाँ चले गए, आपसे लगातार कांटेक्ट में है? यहाँ के जो भी सिलेक्टर्स हैं वो, या लॉबी है, सबसे बात होती है जब भी क्रिकेट खेलने आते हैं। मैं क्रिकेट के अलावा और दूसरी बात भी नहीं करता हूँ, और जितना भी खेलता हूँ। बात रही पहले की, मैं, मुझे ये था कि जितना भी मैं खेला, मुझे शायद सपोर्ट मिलता तो मैं और अच्छा खेल सकता था, जो कि मुझे नहीं मिला। इस चीज़ का मैं हमेशा दुख मनाता हूँ कि मैं और खेलता। नहीं, आप यहाँ अपने साथ, आपके साथ जूनियर भी थे, आपके साथ टीम मेंबर्स थे, जिससे 10 साल हमने लगातार क्रिकेट के पल एंजॉय किए हों, लोगों से, हमारा अमृतसर से एक पावन गुरुओं की धरती है, तो काफ़ी नाता एकदम तोड़ना मुश्किल है। कि आपने सिर्फ एक अपना क्रिकेट को ये देखा कि हम आगे इसका, मैंने अपना मंजिल पूरी तय करनी है, जो आपको पंजाब में, जिसकी आपकी, आपको पूर्ति नहीं हो पा रही थी, यही सोचा आपने क्या?
ऐसा कुछ नहीं था। अभी जितने भी मेरे साथ के मेरे दोस्त जो मेरे साथ खेले हुए हैं या जूनियर्स हैं, सब अलग अलग जगह पे, कोई जॉब करता है, कोई खेल रहा है, मैं सबसे टच में रहता हूँ और सब लोग मेरे से बात भी करते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है क्रिकेट को लेके या किसी भी चीज़ से लेके, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। और मैं आगे यही चाहूँगा कि मैं जितने भी प्लेयर आने वाले हैं, मैं किसी को अच्छा गाइड करके जाऊँ, अच्छा खिलाड़ी बनाऊं उसको। अच्छा, बहुत बढ़िया सोच है कि अमृतसर में जन्मे पले बड़े हुए और इनकी आज भी सोच है कि मैं यहाँ की युवा अवस्था को नशों की दलदल से निकाल कर अच्छी सेहत दूँ, खेलों की तरफ रुचि देने में उनका मार्गदर्शन करता रहूं। तो पासी जी, दूसरी बात एक बताइए कि आप इतना देर जो 15 साल से आपका क्रिकेट से नाता रहा है, आप वर्ल्ड कप भी खेलते रहे हो कि अंडर 19 जो उस, क्योंकि अभी मेन वर्ल्ड कप में तो अभी आपको मौका नहीं मिला, कुछ गलत नीतियों के कारण हो सकता है या किसी कारणवश, उसके बारे में बताइए कि वर्ल्ड कप अंडर 19 में आपका क्या योगदान रहा। वर्ल्ड कप 2012 में हम लोग विनर थे और मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था और बहुत अच्छे पल थे वो, बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए। शायद वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इतनी हायर लेवल पे जाके खेलूँगा या मैं इतनी सक्सेस देखूँगा। और मुझे वहाँ पे जितने भी कोचेज़ थे मेरे और जो मेरे यहाँ के कोचेज़ थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है और मैं उस चीज़ को आज भी याद करता हूँ तो एक मेरे लिए खुशी महसूस होती है मुझे कि मैं उस लेवल पे खेला। ठीक है, बढ़िया। आप आज भी अपने कोचेस को याद करते हैं जो उनसे गुर सीखे हैं और आपको मैन ऑफ द मैच, जैसे कि आपने बताया कि मैन ऑफ द मैच भी आप डिक्लेयर हुए वर्ल्ड कप अंडर 19 में, जिसमें आपने 5 मैचों में कितनी विकेट्स ली थी। मेरी 5 मैचों में 11 विकेट थे और अगेंस्ट जिम्बाब्वे मेरी 6 विकेट थे। तो ये मैच कब हुआ था, कहाँ पर? 2012 ऑस्ट्रेलिया टाउन्सविल में। तो ये थे हमारे साथ कमल पासी जी, जिन्होंने बताया कि पूरा कि मेरी ये उपलब्धियाँ रही हैं 15 साल के क्रिकेट के कैरियर में। आगे अगला सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे अमृतसर के लोगों को, खासकर पंजाब के लोगों को, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सरकार नई रेवोल्यूशन का नारा देकर हम पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार। तो आप क्या संदेश देंगे सरकार को कि यहाँ के खेलों के बारे क्या उचित उपाय, क्या कदम उठाए जाएँ ताकि जो युवा विदेश भागने की फिराक में है, लाखों युवा साल में पंजाब से ऑस्ट्रेलिया कैनेडा जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा अपने कैरियर के प्रति, ये संदेश आप हमारे अमृतसर में खासकर यहाँ के युवा माझा जोन को ये दीजिए कुछ। सबसे बड़ी बात मैं इसमें यही बोलूँगा, हार्डवर्क। अगर आप मेहनती हो तो आपको कहीं भी सक्सेस मिल सकती है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। और जब आप गिवअप कर देते हो तो आप हर जगह से टूट जाते हो, हार जाते हो। तो मेरा यही कहना रहेगा हर एक युवा से और अपने आप से भी मैं यही बात करूँगा कि कभी गिवअप नहीं करना और मेहनत करते रहो। मेहनत का फल, अगर जिस फील्ड में तो आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपको उसमें नहीं भी मिलता तो आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा उसका फल। तो बात आई पैसा कमाने की, आप तो सरकारी नौकरी पर कार्यरत हो ही हो, उसके बाद क्रिकेट में भी लोगों की धारणा कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पैसा, यही एक गेम है, यही खेल है जिसमें पैसा सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कमा पाते हैं, क्या आपने भी काफ़ी करोड़ों में पैसा कमाया? नहीं, करोड़ों में नहीं बोल सकते, बट मैंने कभी पैसे के लिए नहीं गेम शुरू की थी। मेरा एक पैशन था, मेरा एक ड्रीम था जिसके लिए मैंने शुरू की थी। अगर तो पैसे के लिए क्रिकेट खेलनी थी तो फिर शायद मैं बिजनेस भी कर लेता अपना। तो बड़ी बात बोलते हैं कि पैसे के लिए बिज़नेस भी मैं कर सकता था, जैसे कि बहुत से यहाँ के बिजनेसमैन, डॉक्टर जो अकेडमी चला रहे हैं अमृतसर में, उनको भी ये एक तरह का कड़ा संदेश है कि आप जिस फील्ड में हो उसी में लोगों का भला कीजिए, बल्कि किसी और प्रोफेशन में एक बिज़नेस का धंधा पैसा कमाने की फिराक में आप हर चीज़ प्रोफेशनलिज्म में ना पड़िए। तो कुछ ना कुछ समाज सेवा के नाते खेलों में भी बढ़ चढ़कर युवा श्रेणी को, युवा वर्ग को उसकी तरफ आकर्षित करने होने का मौका दीजिए। तो ये थी लाइव भारत न्यूज़ पर स्पेशल रिपोर्ट कमल पासी जी से। दोबारा अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।